देखिए फ्रेंड्स दो तीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साढ़े सात बाई साढ़े सात इंच का पीसिस को कट कर लिया है और एक मैंने आर कंडी का दो नेट के और दो कॉटन के पीस कट किए हैं आर कंडी के पीस को हम इस तरह से तीचा कट कर आ, कर लेंगे और फिर नीचे से हम एक से देकर सवा इंच तक इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारी ये शेप में कटिंग हो जाएगी अब मैंने जो ये कॉटन और नेट का जो कपड़ा लिया है उसको मैं पहले एक सिलाई लगा लूँगी देखिए इन दोनों को मैंने सिलाई लगा दी अब हम इसके ऊपर इस तरह से आरकंडी का पीस रखेंगे और इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे ठीक है तो चलिए इस तरह से मैं यहाँ पर इन दोनों पीसेस को रेडी कर लेती हूँ तो जहाँ से हमारा राउंड साइड है उसी को हमने सिलाई लगानी है अभी ठीक है दो साइड से और अब हमने इसको पलट कर सीधा कर लेना है और जो दूसरी साइड्स हैं उनको हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जो ओपन साइड है ना वो थोड़ा सा हम कु से गुलाई से सिलाई लगा लेते हैं फिर उसकी हम कटिंग कर लेते हैं ठीक है तो देखिए जहाँ पर मैंने गुलाई से कटिंग सिलाई लगाई थी वहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ और इस तरह से प्लेट्स भरते हुए धोती को बना लेंगे तो ये देखिए सात इंच की हमारी ये धोती रेडी होगी तो ये देखिए अब हम यहाँ पर आगे पटका बनाने के लिए सात इंच का देखिए आरकंडी का पीस और फाइव इंच ले लीजिए या चार इंच ले लीजिए और जितना आप चौड़ा चाहते हैं तो उतना ज़्यादा ले सकते हैं ठीक है इस तरह से हम इसको आगे से सिलाई लगा देंगे ये मैंने नीचे नेट और कॉटन का कपड़ा लगाया हुआ है जिससे मैंने सिलाई लगाई है और अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे तो चलिए इसे मैं पलट करके फिर आपको सीधा करके दिखाती हूँ तो चलिए ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया और अब हम इसके देखिए दोनों और यहाँ पर ये यह देखिए नीचे की तरफ मैंने उसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अब मैंने यहाँ पर नेट ले ली है उसे हम प्लेट्स बनाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे ठीक है तो ये देखिए इस तरह से रेडी करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से सेट करेंगे ठीक है ये देखिए जैसे मैं सेट कर रही हूँ बस इसी तरह से आपको जो है सेट करके सिलाई लगा लेनी है तो ये इस तरह से हमारी जो कान्हा जी की धोती होती है कृष्णा जी की उनके आगे लगाने के लिए ये पटका सा बन जाएगा तो चलिए इसे मैं तैयार कर लेती हूँ और इसके साइडों में सिलाई लगा कर इस पर लैस वगैरह लगा लेंगे ठीक है तो चलिए मैं इस पर लेस साइडों में लगा लेती हूँ और नीचे से इसको इक्वल कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा नट था उसे मैंने कट कर लिया है तो ये देखिए मैं इसकी साइडों में टिशू लेस से इसे कवर कर लूँगी तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है और चलिए अब हम इसको धोती के ऊपर रख लेते हैं तो ये देखिए धोती हमारी जो कमर है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है तो हम इसमें बीच में एक एक प्लेट्स डाल लेते हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पटका भी लगा लिया है और हल्की हल्की प्लेट्स डालकर जो साढ़े छः इंच की मैंने यहाँ पर कमर रेडी कर ली है ठीक है तो चलिए अब हम इस पर लगाएंगे नेफा तो नेफा लगाने के लिए हम नेट की पट्टी ले लेंगे जितना हमारा नेफा है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे तो चलिए अब हम इस पर नेफा पट्टी को लगा लेते हैं तो ये देखिए डबल कर कर नेट को आप फोल्ड करके सिलाई लगा लें और यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर जो डोरी डाल रही हूँ उसको रेडी कर रही हूँ तो इस तरह से आप भी डोरी के साइडों में इस तरह से कपड़ा लगा कर उस सिक्योर करने के लिए ताकि जो डोरी है जन्नीफे के अंदर चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं इसके साइडों में इस तरह से छोटा सा कपड़ा लगा कर उसे लगा लेती हूँ ठीक है तो चलिए अब हम इसके साथ इसे डोरी को स्ट्रेस में डाल लेंगे और ये देखिए पीछे की साइड से मैं नेफे वाली जो मैंने नेट ली है उसको मैं पीछे वाली साइड से सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ देखिए फ्रंट से सिलाई लगा ली है इस तरह से तो ये देखिए मैंने दो बार सिलाई लगा कर इसे पक्का कर देंगे ठीक है तो चलिए अब तब तो मैं यहाँ पर एक पटका पटके ले लिया है मैंने सॉरी मैंने तो ये देखिए भाई ये पटके की लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और बीच में से इसका हल्का सा कट करके मैंने साइडों से सिलाई लगा कर अब इसे पलट कर सीधा कर रही हूँ तो तिरछा कट कर लेना है आपको जैसे मैंने आपको जो पटका कट किया है ना हमने ऊपर से थोड़ा कम और नीचे से ज़्यादा बस इसी तरह से इसे भी बना लेना है और ये देखिए साइडों से इसकी हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लेस को लगा लेंगे जिस तरह की लेस हम सारी ड्रेस में लगा रहे हैं उसी तरह की इस लेस को भी इस पर एडजस्ट करके लगा लेंगे तो चलिए लेस को लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और जो इस तरह की राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की ड्रेसेस बनाना चाहते हैं उन्हें आप शेयर भी जरूर करिए ताकि वो भी इस देख आसानी से अपने राधा कृष्ण की ड्रेसेस बना सकें तो चलिए इस तरह से हमने इस पटके को रेडी कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स तो ये देखिए पटका हमारा बनकर रेडी हो गया है अब जो हमने मटेरियल लिया है जो राधा रानी की ड्रेस में जिससे डेकोरेट किया है उसी से हम इसकी डेकोरेशन करेंगे चोली जो आपको बनानी है तो उस वीडियो का लिंक आप राधा रानी की ड्रेस में जरूर देख लीजिएगा तो चलिए अब हम इनको डेकोरेशन करते हैं तो ये देखिए इस तरह से मैं इन पैचिज़ को इनके ऊपर पेस्ट कर लूँगी इस तरह से फैब्रिक लू या हॉट लू से जिससे मर्जी आप पेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं इन्हें और रेडी कर लेते हैं तो इस तरह से मैं ये जो है पटका रेडी कर लूँगी और जो मैंने देखी जो धोती बनाई है उसी में भी हम इसी तरह से लगा लेंगे और ऊपर से एक एक स्टोन लगा लेंगे जिससे कि जो ड्रेस है अच्छी और सुंदर दिखती है ठीक है तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे को पाल भज मन श्री राधे श्री को पाल भज मन श्री तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब फैब्रिक लू से पेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा